दोस्तों, ट्रिप पे आने के बाद गाड़ी की हालत आप देख ही सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कीचड़ में नहा के आई है पूरा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? और आज हम निकल चुके हैं हमारी नई ट्रिप के लिए, जो कि हम जा रहे हैं उदयपुर। और काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज आने वाला है बहुत जल्दी आपके लिए, और वो आज के वीडियो में नहीं तो कल के वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। और अभी चलते हैं उदयपुर, और बीच में आपको जो शिवजी भगवान का जो स्टैचू है उसके भी मैं आपको दर्शन कराते हुए आज जाने का इरादा है अपना, और मिलते हैं बहुत जल्दी। और उदयपुर जाने के बाद में देखते हैं कि क्या प्लान बनता है, उदयपुर ही घूमते हैं आसपास का। आपको मैं बताता हूँ कि उदयपुर में क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए। और लद्दाख वाली जो ट्रिप थी उसे हमें एंड करना पड़ा, और उसका जो रीज़न है वो ये था कि जब हम लेह लद्दाख पहुँच गए थे तो उसके बाद में वहाँ बारिश का जो मौसम था वो बहुत तेज़ होने लग गई थी बारिश, और वाटर क्रॉसिंग ज़्यादा होने की वजह से वहाँ की जो आर्मी वगैरह थी तो उन्होंने हमें एडवाइस दी कि आप अभी निकल जाओ, क्योंकि वाटर क्रॉसिंग होने के बाद में अपनी गाड़ी वहाँ से नहीं निकल सकती थी, इसलिए हमें लेह लद्दाख से वापस घर की तरफ आना पड़ा। और आप टेंशन मत लीजिए, लेह लद्दाख सीरीज़ वापस हम आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे, बाकी अभी नहीं। और जब वापस बर्फ़ गिरेगी तब हम भी आपके लिए एक सरप्राइज है जो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये बादल काफी अच्छे लग रहे हैं देखने में, और हमारा सफर जारी है उदयपुर के लिए। ट्रिप काफी शानदार होने वाला है दोस्तों, इस बार मजा आ जाएगा। ये त्रिनेत्र सर्कल है, और यहाँ पे बना हुआ है शिव जी का स्टैचू का, ये सर्कल है यहाँ पे, काफ़ी प्यारा है। और जो शिव जी भगवान का जो स्टैचू है ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट स्टैचू है, पर अब इसमें आप जा नहीं सकते, अभी ओपनिंग होने में लगभग साल भर और लग जाएगा। यहाँ हमने उदयपुर होटल में रूम ले लिया है, और ये गणेश जी भगवान विराज रहे हैं यहीं पे। ये होटल का रिसेप्शन है, और काफ़ी सुंदर इंटीरियर है इसका, काफ़ी देखने में प्यारा लग रहा है। पहुँच गए हैं उदयपुर, और ये यहाँ हमने रूम ले लिया है, कुछ इस प्रकार है अपना रूम, और ये है कुछ बार का व्यू पूरे उदयपुर सिटी, और ये खड़ी अपनी गाड़ी। तो अभी हम निकल चुके हैं फतेह सागर के लिए, और अभी आपको फतेह सागर का नज़ारा बताते हैं, और उसी के पास में एक फिश एक्वेरियम है तो वहाँ भी चलते हैं और मिलते हैं वहीं। Thank you.
ये फिश एक्वेरियम के लिए टिकट विंडो है और यहाँ इंडियन के लिए 143 रुपीज़ है एक बंदे के। हम आ गए हैं फिश एक्वेरियम और ये हमने टिकट ले लिया है और 2 जनों की टिकट ली है हमने। और यहाँ घूम के आपको बताते हैं कि अलग अलग तरह की फिश वगैरह है यहाँ पे बहुत सारी, और आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताऊँ। दोस्तों ये फिश एक्वेरियम बना हुआ है, ये उदयपुर में है और यहाँ पूरा आप देख ही सकते हैं अभी आगे चल के वीडियो में कि पूरा मछलियों का जैसे मेला ही लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पर दोस्तों देश की जितनी भी मछलियाँ हैं, लगभग यहाँ 16 देशों की मछलियों को रखा गया है और लगभग यहाँ जो मछलियाँ हैं वो 125 तरह की हैं लगभग। और ये फतेह सागर झील के पास में अंडरग्राउंड बना हुआ है और फिश एक्वेरियम लगभग 2017 में बना था। और दोस्तों जो फिश एक्वेरियम है यहाँ काफ़ी, मतलब झील भी पास ही है और काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पे। और लगभग यहाँ आने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि मैं समंदर के अंदर ही आ गया हूँ। और इसके अंदर और भी कई तरह की एक्टिविटी भी है, जैसे कि अपन 3D फोटो वगैरह भी कैप्चर करवा सकते हैं अंदर।
यहाँ पानी का छोटा सा टैंक बना हुआ है, इसमें पाँव रखने के बाद सारी मछलियाँ आके पाँवों पे टच होती है और ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी गुदगुदी हो रही हो। दोस्तों अभी हमने फिश एक्वेरियम जो उदयपुर में है हमने घूम लिया है और घूम के काफ़ी शानदार लगा। काफ़ी फिश वगैरह है, कितनी प्यारी फिश है। यहाँ वर्ल्ड की जितनी भी फिश वगैरह है हम सबको एक जगह उदयपुर में लाया गया है। ये फिश एक्वेरियम में आपको वर्ल्ड में जितनी भी फिश वगैरह है वो आपको एक साथ यहाँ आपको देखने को मिलेगी। उदयपुर फिश एक्वेरियम एक बार ज़रूर विजिट करें और ये फतेह सागर के जस्ट पास में। दोस्तों अभी हम फतेह सागर और फिश एक्वेरियम घूम के आ गए हैं और अभी चलते हैं यहाँ पर कुछ कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं, कोल्ड कॉफ़ी, और फिर चलते हैं घर की तरफ। It's caught in the crossfire.